मैं चाहती हूं कि कल जो सिंहासन पर बैठे और न्याय करे वो मेरा पुत्र नहीं बल्कि पौरव राष्ट्र का राजा हो। और हर राजा का धर्म है न्याय करना। गुरु, मैंने पहले भी यही कहा था और अब भी ये कहूंगी कि सत्य और धर्म के सामने कोई संबंध बड़ा नहीं होता। ये मत सोचना कि न्याय तुम्हारी पत्नी मांग रही है और अपराधी तुम्हारी मां है। कल तुम्हें स्वयं को इस तुला के समान समझना होगा जो भावनाओं से नहीं भार से संतुलित होती है। सिंध नरेश महाराज हस्ती पर प्रहार करने का परिणाम जानती हैं आप महारानी लाची? जानती हूँ, परंतु ये सिंध नरेश को सोचना चाहिए था कि दस्युराज पर प्रहार करने का परिणाम क्या होगा। यदि मैंने आपका प्रहार रोका नहीं होता तो महाराज हस्ती अब तक जीवित नहीं होते। यदि मैंने महाराज हस्ती का प्रहार नहीं रोका होता तो मेरे बाबा जीवित नहीं होते। क्या प्रहार करने से पहले आपने मेरी अनुमति ली? अनुमति लेने का समय नहीं था। यदि अनुमति लेती तो मेरे बाबा के प्राण चले जाते। ठीक यही मेरी माँ ने भी किया था मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए। इंतजार करना, मेरा बेटा आ रहा है देवता ज्यूस के जलाल की आग के साथ। हर आग के लिए पानी एक ही होता है ओलंपिया, और यदि तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर को ज्यूस की आग का आशीर्वाद है तो मेरे बेटे पुरु के पास माँ झेलम का आशीर्वाद है, और माँ झेलम में इतना जल है कि एक नहीं ऐसे सैकड़ों सिकंदरों की आग ठंडी करते हैं। सही समझा आपने, जो व्यक्ति पारस का शाह डरायस था, जो कोई भी मेरी मातृभूमि पे कुदृष्टि डालेगा मेरा रक्षक बेटा पुरु उसकी दृष्टि छीन लेगा, फिर चाहे वो व्यक्ति पारस का शाह डरायस हो या फिर मैसिडोनिया का शाह सिकंदर। बहुत पहले एक व्यापारी व्यापार के बहाने हमारी मातृभूमि पर अधिकार जमाने की मंशा लेकर आया था। हमने उसे दूध और खांड भेंट किया ताकि वो हमारे साथ मिलकर ठीक उसी तरह रहे जैसे दूध और खांड मिलकर रहते हैं, और वो हमारे साथ मित्रता का स्वाद बढ़ाए। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, उसने दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ने का प्रयास किया, हमारे लोगों को विभाजित करके उन पर शासन करने की योजना बनाई। जानती हैं उसके साथ क्या हुआ? मेरे पुत्र पुरु ने उसकी वो दशा की कि वो भारत तो पा ना सका, उल्टा अपने देश पारस से हाथ धो बैठा।